वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इंस्टेंट और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, दाल और चिकन फ्राई। ये रेसिपी इस वक्त काम आती है जब कभी हम बाहर चले जाते हैं और रिटर्न होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और हम थके हुए होते हैं, तो हम ये फटाफट बना सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। चिकन को पहले हम मसाला लगा लेंगे। मैंने एक बाउल में चिकन के ऐसे बड़े बड़े पीस कट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है चिकन, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं अगर जो आपके पास अवेलेबल है। इसमें मैं सबसे पहले एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, पाव चम्मच हल्दी, टू टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर लिया है, वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर, वन टीस्पून धनिया पाउडर और वन टीस्पून मैंने चिल्ली फ्लेक यहाँ पे लिया है, सॉल्ट हाफ टी स्पून, आधा नींबू का जूस भी डालेंगे इसमें। चॉप कोरिएंडर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ग्रीन चिल्ली को बड़े बड़े कट करके ये भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और मेरे पास कैप्सिकम थी इसलिए मैं यहाँ पे कैप्सिकम भी डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ऑयल घी या बटर ये आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर लिया है, बस थोड़ा सा ही ले, और जो चिकन हमने मसाले लगा के रखा था ये इसमें डाल दें। गैस फास्ट रखें यहाँ पर। 2 से 3 मिनट बाद इसे थोड़ा सा मिला लें बटर के साथ। सारा बटर अच्छे से सारे चिकन में लग जाए। और इसे हमें इस तरीके से अच्छे तरीके से मिलाकर स्लो आंच करके हम इसे पकाएंगे, और इसे ढककर नहीं पकाएंगे क्योंकि ढक के पकाने से चिकन अपना पानी छोड़ देगा और फिर जैसा हमें चाहिए वैसा चिकन फ्राई नहीं होगा। तो उसे ऐसे ही अब हमें ऐसे ओपन ही पकाना है। उसके बाद हम इसे इसकी साइड चेंज करके इसे ऐसे ही हम इसे रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने चिकन को ऐसे ही रखा है, इसे ज़रा सा भी हमने इसे मिलाया नहीं है। अब मैं इसका साइड चेंज करके देखूंगी। देखिए अगर मैं इसे ढककर पकाती तो चिकन अपना पानी छोड़ देता और हमारी वेजीज भी जो मैंने इसमें ऐड की है वो भी नरम हो जाती। सारी चिकन को हम इस तरीके से पलट देंगे कि उसकी बैक साइड भी अच्छी तरीके से पक जाए और थोड़ा देखिए बस इसे अभी हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन बैक साइड से भी अच्छी तरीके से पक चुका है, बस रेडी है। अगर हम कहीं बाहर गए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आके कुक करें, हम थक चुके हैं, तो हम ऐसे ही इजी फॉर इंस्टेंट दाल और चिकन फ्राई बना सकते हैं, जो है तो सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। क्विक और इंस्टेंट दाल जो फटाफट बन जाती है। पहले कुकर में थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, फिर मैं उसमें अभी डालूँगी हींग
ज़रा सा वन पिंच, फिर ज़ीरा और थोड़ी सी राई, बस। फिर इसमें मैं अभी डाल दूंगी दो कांदा, और दो हरी मिर्ची के साथ मैंने इसको चॉप किया था कांदे को, तो थोड़ा बस वन मिनट के लिए थोड़ा ऑयल में गरम करेंगे। और मैंने इसे डायरेक्ट कुकर में ही मतलब बघार दिया है, अलग से बघार नहीं देना है। ज़रा सा ऑनियन गरम हो जाए, हल्का सा, एकदम लाल वगैरह भी नहीं करना है। फिर इसमें मैंने अभी दो टमेटो, उसे भी मैं बारीक काटा है और वो भी मैं डाल रही हूँ, और वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी मैंने साथ में डाल दिया है। पाव चम्मच हल्दी पाउडर, वन टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम बाद में भी टेस्ट करेंगे, जब दाल हमारी अच्छे से गल जाएगी और पानी वगैरह हम चेक करेंगे तो उस वक्त हम सॉल्ट फिर से एक बार चेक करेंगे। अगर कम है तो फिर थोड़ा सॉल्ट और उस वक्त ऐड कर देंगे। अभी मैंने दाल धो कर रखी हुई थी, जब मैंने कांदा काटने के लिए ली थी मैंने, उस वक्त मैंने ये दाल धो के रख दी थी। ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस जब हम कांदा और टमाटर काटने लगे उसी वक्त इसे धो के रख देंगे तो अच्छा है। फिर ये डायरेक्ट मैंने दाल भी इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि अभी हम कुकर का ढक्कन बंद करना है, इसके लिए थोड़ा पानी हम हमारे हिसाब से दाल में डाल देंगे कि हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाए, बस। और अभी मैं ढक्कन कुकर का बंद कर दूंगी। बस हमारी दाल पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गल चुकी है, ये बस हमें ऐसी ही दाल चाहिए। चलिए जी, तैयार है हमारी इंस्टेंट दाल और चिकन फ्राई, इसे आप चपाती और राइस के साथ में खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय।